हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग के कुछ एग्जांपल हम सॉल्व कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, इसमें हम एक और एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास ट्रेस सिसोइड ऑफ डायोड्स वाई स्क्वायर 2a+x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी हमें इस डायोड इसको कर्व कर ट्रेस करना है। तो इसको ट्रेस करने के लिए पहले हम सिंपली 2D में एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग से करते आए हैं। अब उसके बाद सबसे पहले देखते हैं ये सिमेट्रिक किस एक्सिस के हो सकता है। पहला पॉइंट सिमेट्री देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सिमेट्री चेक करना, क्योंकि सिमेट्री से हमें ये पता चल जाता है कि अगर कर्व एक्सिस के सिमेट्रिक है तो हम बता सकते हैं कि एक तरफ जैसे बना रहे हैं ग्राफ, उसी दूसरी तरफ उसको कॉपी कर देंगे। और अगर ये वाई एक्स के सिमेट्रिक है तो जैसे वाई से इधर किस तरह का तरह ग्राफ बन रहा है उसको हम इधर कॉपी कर देंगे। तो इस तरह से सिमेट्री का हमें ये फायदा होता है, या एक्स बराबर वाई लाइन के सिमेट्रिक मिल जाता है, इस लाइन के सिमेट्रिक मिल जाता है। तो उस कंडीशन हम देख लेते हैं कि अगर इस लाइन के इस तरफ कैसे ग्राफ बन रहा है और वैसा ही कॉपी इधर कर देंगे। तो इस तरह से हम सिमेट्री चेक करते हैं। तो बेसिकली सिमेट्री चेक करने के जो मेथड्स है वो मैं अपने लेक्चर नंबर 25 या 26 में मैंने बताए थे सारे, इसमें सिर्फ मैं ये बताऊंगा ये किस पे सिमेट्रिक है। तो सिंपली हम चेक करते हैं वाई स्क्वायर वाई की जो पावर है वो और एक्स की पावर है वो। अगर हम इसमें हम देखें तो वाई की सारी पावर इवन है, यानी 2, तो वाई की सारी पावर इवन है। और अगर एक्स की पावर की बात करें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक्स की सारी पावर इवन नहीं है। तो इस कंडीशन में कहेंगे चूंकि ऑल पावर ऑफ वाई आर इवन सो कर्व इज सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। जब वाई की पावर सब इवन हो तो उस कंडीशन में एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और अगर एक्स की पावर इवन हो तो उस कंडीशन में वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो इस तरह से हम सिमेट्री चेक कर सकते हैं। अब सिमेट्री चेक करने के बाद हम देखते हैं कि यह ओरिजिन से होकर जाता है नहीं, ओरिजिन से होकर जाता है नहीं। तो ये चेक करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू चेक टू चेक एट ओरिजिन। फ्रेंड्स, ये चेक करना हमारे पास इस पॉइंट को भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हम अगर नेक्स्ट में मैं बताता हूं क्योंकि क्यों छोड़ सकते हैं हम। पर अब चेक करते हैं इस पॉइंट को हम क्यों छोड़ सकते हैं, इसकी वजह मैं यहां बता रहा हूं। टू चेक एट एक्सिस, यानी हम एक्सिस पे चेक करते हैं इसकी स्थिति। तो एक्सिस की स्थिति चेक करने के लिए जब हम एक्स एट अगर हम देखते हैं वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे देखते हैं तो वाई एट वाई एक्सिस पे देखते हैं तो यहां पे हमें एक्स इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करते ही हमारे पास जो ग्राफ है वो चेंज हो जाता है, हमारे पास वाई स्क्वायर 2a+x 2a ये 0 हो गए और इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यानी कि ये कर्व जो है ओरिजिन से होकर जाता है। तो ओरिजिन से चेक करने के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जब हम एक्सिस पे वैल्यू एक्सिस पे ग्राफ को चेक करते हैं तो उस कंडीशन पे वो शो कर देता है कि वो एक्सिस पे जाए 0 0 से जाएगा या नहीं। तो ओरिजिन वाले पॉइंट को हम छोड़ भी सकते हैं, इसको हम चेक ना करें तो भी चलेगा। तो यहां से हमें पता चल गया एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पे जाएगा, यहां से होके जाएगा। फर्स्ट बात हमें ये पता चल गई। सेकंड बात हमें ये पता चली यहां से कि ये वाई एक्सिस को एक्स बराबर 0 पे ही कट कर रहा है, वाई एक्सिस को पूरे एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है यहां पे। अब अगर ग्राफ पे सपोज हम एक्सिस और साथ ही क्या है हमने यहां पे देखा एक्सिस की सिमेट्रिक है, अगर यानी इस ग्राफ इसके सिमेट्रिक है, यानी जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा। अब अगर सपोज कि हमारे पास ये ग्राफ यहां से बनता है या यहां से बनता है या यहां से बनता है, तो सपोज पहले कि यहां से बनता है तो उस कंडीशन में हमारे पास नीचे वाला टर्म जो है वो यूं जाएगा, अगर यहां से बनता है तो ये इस तरह से जाएगा, और इस तरह से जाएगा यहां से बनता है तो वो इस तरह से जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जैसा ऊपर बना वैसा ही हमने नीचे कॉपी कर दिया। अगर सपोज ग्राफ हमारे पास यहां से ना बनके ऐसा बनता है,
इस तरह से बनता है ग्राफ, मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ उस कंडीशन में, अगर ऐसा बनता है तो हमारे पास हम डायरेक्टली यहाँ से इस तरह का कर देंगे, इस तरह का कर देंगे, यानी हमारे पास सिमेट्री से ये पता चला है कि हमें अगर वो ग्राफ इस तरह से जाता है तो वो इस तरह से भी जाएगा, ये और वाई एक्सिस को और कहीं पे कट करेगा नहीं, तो और कहीं होके इसको क्रॉस करने की चिंता ही नहीं थी, वो कहीं होके क्रॉस करेगा या नहीं, जैसे हम ये नहीं कर सकते कि ये इस तरह से कट करेगा, नहीं करेगा कभी भी, तो इस तरह से जाएगा नहीं ग्राफ कभी, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स हो चुके हैं, पहला ये पॉइंट हो गया कि हमारे पास जो ग्राफ है वो ओरिजिन से होके जाएगा, और अब अगर हम वाई बराबर जीरो पुट करते हैं, तो वाई बराबर जीरो पुट करते हैं तो उस कंडीशन हमारे पास जो वैल्यू आती है एक्स इक्वल टू जीरो, यानी वाई बराबर जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो टू ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, ये एक्स यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो यानी ओरिजिन से हो गए। और अगर हम एक्सिस में बात करें तो एक्स का एक्सिस को भी ये एक बार ही कट कर रहा है ग्राफ, तो एक्स को भी एक बार ही कट कर रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो होगा एक्सिस को भी कहीं दोबारा कट नहीं करेगा, यानी ऐसा नहीं होगा ग्राफ इस तरह से चला जाए, इस तरह से नहीं जाएगा, अब ये टेंशन भी हमारी खत्म हो चुकी है। तो अब हमारे पास ग्राफ का कुछ कुछ प्रारूप आ चुका है, ग्राफ या तो वो इस तरह से हो सकता है या फिर वो इस तरह से हो सकता है, यानी अब वो ये नहीं हो सकता कि इधर आ जाए और इधर आ जाए, ये हमें पता चल चुका है, यहां से ये पॉइंट हमें पता चल चुके हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम और ग्राफ के कुछ पॉइंट्स और देखते हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी, तो अनंत स्पर्शी देखने के लिए हम किस तरह चेक करते हैं, सिंपली फंक्शन जो एक्स है और वाई है उनकी वैल्यू इनफाइनाइट पे कब जा सकती है। तो सपोज एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी हो जाए, तो एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी होने के केस में हमारे पास यहां से अभी तो कुछ भी डिफाइन नहीं है ये, तो यहां से हम इसको कर सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस एक्स, ये है हमारे पास, अब ये है हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 2a प्लस एक्स। तो फ्रेंड्स यहां से अगर हम देखें तो ये इनफाइनाइट पे कब, इसकी इनफाइनाइट वैल्यू कब हो सकती है, या फिर y बराबर हम पुट कर दें इस तरह से दोनों पे देखें तो इसकी इनफाइनाइट वैल्यू कब हो सकती है, जब x इक्वल टू माइनस टू ए हो, यानी x इक्वल टू माइनस टू ए हो तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट पे जा सकता है, यानी कि हमारे पास एक लाइन यहाँ पे होगी 2a और वहां पे वैल्यू जब 2a पे जाएगी, जब कर्व की वैल्यू जब 2a की तरफ जाएगी तो x जो है वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, यानी इस लाइन को x बराबर 2a लाइन को ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा, अब ये हमें पता चल चुका है, यानी अब हमें ये कुछ पॉइंट जो पता चले वो पता चले कि ये पॉइंट यहाँ से इधर तो जाएगा, अभी हमें ये नहीं पता कि ये कर्व इधर जाएगा या नहीं जाएगा, बट हमें पता है इधर जाएगा और इस तरह से जाएगा, इसको कभी टच नहीं करेगा, ये यहां से हमें पता चल चुका है। अब हम देखते हैं इसका एरिया, एरिया की वाई और एक्स कहां डिफाइन हो सकते हैं, तो वाई और एक्स कहां डिफाइन हो सकते हैं ये अगर हम चेक करें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस एक्स, या वाई बराबर है रूट, ये रूट ले लिया। अब फिर ये टर्म है हमेशा एक्स की वैल्यू कुछ भी वो पॉजिटिव रहेगी, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अगर एक्स की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में वैल्यू जो है इसकी पॉजिटिव रहेगी, एक्स की वैल्यू कुछ है तो उस कंडीशन में वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये हमारे पास यहां पर चल गया, एक्स जो है वो पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा सकता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक एक्स की वैल्यू जा सकती है, ये हमें यहां से पता चल चुका है। एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस टू ए, माइनस टू ए पर हमारे पास इसकी अगर x माइनस टू ए हो तो ये वैल्यू y की वैल्यू इनफाइनाइट पे चली जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब यहां से हमारे पास ये पता चल चुका है जब इनफाइनाइट माइनस टू ये पॉजिटिव में भी जाएगी वैल्यू, और ये हमारे पास इस तरह से ये हो गया हमारे पास, और x की वैल्यू यहां से हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव में भी जाएगी, x की वैल्यू यहां से पॉजिटिव में भी जाएगी, x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है। बस यहाँ पे जो मैंने सिसोइड जो इक्वेशन थी उसमें माइनस नहीं था, तो सिसोइड की इक्वेशन ये नहीं रही,
ये एक दूसरी क्वेश्चन बन चुकी है, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास आ चुका है कि ये इस तरह से कर्व ट्रेस कर सकते हैं इसकी। यहां तक ये हमें पता चल चुका है एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट तक इधर भी जाएगी तो इधर भी जाएगी, प्लस माइनस टू ए दोनों पे जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास पता चल चुका है क्योंकि एक के सिमेट्रिक है तो दूसरे के भी सिमेट्रिक होगी। ये यहां से हमें पता चल चुका है। अब फिर यहां से यहां तक हमें ये तो पता चल चुका है, बट अभी हमें नहीं पता चला कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो किस तरह के ट्रीट करेगा। सपोज x बराबर a हो, x बराबर a हो यानी इधर की वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में y बराबर a स्क्वायर अपॉन 3a हो जाएगा, ये 3a और ये इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहां पे y बराबर ये हो जाएगा हमारे पास, ए से ए कट जाएगा, रूट ए बाई थ्री प्लस माइनस रूट ए बाई थ्री, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से और जाएगी, इस तरह से भी जाएगी। अगर हम यहां पे देखें एक्स अगर इंफिनिटी पे टेंड्स करे, फिर से अगर एक्स इंफिनिटी पे टेंड्स करे तो उस कंडीशन में लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो एक्स अगर इंफिनिटी की तरफ जाए तो वैल्यू जो है फंक्शन वाई की वैल्यू भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू जो है यहां से इनफाइनाइट की तरफ जाएगी और इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ जो है हमारे पास इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो फिर हम कर्व ट्रेसिंग को इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम सिसोइड लेंगे जब ए माइनस एक्स हो, क्योंकि ए माइनस एक्स की कंडीशन में ये ग्राफ बहुत कुछ चेंज हो जाएगा इसमें, क्योंकि ए माइनस एक्स की कंडीशन में ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो हम लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।